नमस्कार, मैं हूँ अपरूपा बैनर्जी और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्रेडिट कार्ड सही है पे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप जल्दी से क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि पहले ही हमने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के कितने सारे फायदे हैं। क्रेडिट कार्ड ना ही सिर्फ आपके लाइफ को आसान बना देती है, बल्कि ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी बना देती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। ये रूल्स आपको जरूर फॉलो करना चाहिए और इन रूल को फॉलो करने से आप फायदे में रहेंगे। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो बाद में आपको काफ़ी परेशानियां आ सकती है, इसलिए इन रूल्स को अच्छे से जान लीजिए और इनको फॉलो कैसे करना है वो भी जान लीजिए इस वीडियो को देख के। पर उससे पहले, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बाकी वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला रूल है, ऑलवेज पे योर क्रेडिट कार्ड बिल ऑन टाइम एवरी मंथ। आपको अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान हमेशा टाइम पे हर महीने करना है। आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पे आपके क्रेडिट यूसेज और क्रेडिट रीपेमेंट का एक बहुत ही बड़ा असर होता है, इसीलिए आपको हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का बिल बिल्कुल टाइम पे भरना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पे कोई डेट नहीं रहता है और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल का भुगतान करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लेट फी और इंटरेस्ट से बच जाएंगे, यानी कि नो एडिशनल फीस। इसीलिए आपको हमेशा अपना बिल का भुगतान टाइम पे करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि नेवर डिले योर क्रेडिट रीपेमेंट। आप अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट या फिर सेटलमेंट कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, इसको बिल्कुल टाइम पे भरना चाहिए। अगर आप किसी कारण पूरे बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे तो आप अमाउंट को ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप मिनिमम ड्यू बैलेंस भी भर सकते हैं। इन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, जो कि हमने पहले वीडियोज में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से वीडियोज एक बार देख लें और अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट या फिर सेटलमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो इसका इफेक्ट आपके सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। शायद आपको अभी नहीं समझ आएगा कि क्या होता है इसका इफेक्ट, बट बाद में जब आप एक बड़ा लोन लेने जाएंगे या क्रेडिट लेने जाएंगे तो आपको अपने सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इनको अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए रीपेमेंट को टाइम से हमेशा कीजिए। तीसरा पॉइंट, ऑलवेज स्टे बिलो योर क्रेडिट लिमिट। आपको अपने क्रेडिट लिमिट के नीचे ही हमेशा रहना चाहिए, मतलब कि आपके पूरे क्रेडिट लिमिट को यूटिलाइज कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आपको अपने क्रेडिट लिमिट का आइडियली 30% ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप पूरा का पूरा क्रेडिट लिमिट यूज़ कर लेते हैं तो लेंडर समझते कि आप अपने खर्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तब बाकी कस्टमर्स की तुलना में आप एक रिस्की कस्टमर बन जाते हैं, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि ट्रैक योर स्पेंडिंग और एक्सपेंसेस। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रेकलेसली स्पेंड करते जाए। आपको अपने स्पेंडिंग और एक्सपेंस को हमेशा ट्रैक करना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और आप उसको कंट्रोल या मॉनिटर कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर को हमेशा देखिए, क्योंकि अगर आप इसको चेक में नहीं रहेंगे तो आपको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आप। इसीलिए अपने एक्सपेंडिचर को हमेशा ध्यान में रखिए और मॉनिटर कीजिए। आप उतना ही अपने क्रेडिट कार्ड में स्पेंड कीजिए जितना ही आप अगले महीने पे कर पाएंगे, यानी कि डू नॉट यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फॉर एवरी एक्सपेंस। आप अपने क्रेडिट कार्ड को उतना ही एक्सपेंस के लिए यूज़ कीजिए जितना कि आप ईजिली अगले महीने रीपे कर पाएंगे, तो इसको आप ध्यान में ज़रूर रखें। फिफ्थ पॉइंट इज, ऑलवेज रिव्यू योर स्टेटमेंट। वेल, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, जब भी आपके पास अपने क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसके साथ आपका पूरा डिटेल स्टेटमेंट आता है कि आपने कितना कहाँ कब खर्चा किया है। आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए, अच्छे से रिव्यू कीजिए, क्योंकि कभी कभी बैंक से भी गलतियाँ हो जाती है और आपको ऐसे ही उनकी गलती की वजह से ज़्यादा पैसा भरना पड़ सकता है। तो ये कभी ना होने दें। जो स्टेटमेंट आपके पास आता है उसको अच्छे से रिव्यू कीजिए। इसका और एक फ़ायदा ये भी है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ कितना खर्चा किया है। तो ये तो हो गया क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करना चाहिए।
अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको काफ़ी फायदा भी होता है इससे। बट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप इसको लिमिट में करें और इन रूल्स को फॉलो करके करें, इन रूल्स को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि बस ओनली यू हैव द पावर कि यू डू नॉट एंड अप इन डेट बाय यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। तो इसीलिए इन रूल्स को ध्यान में रखें और क्रेडिट कार्ड को बहुत केयरफुली यूज़ कीजिए। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और क्रेडिट कार्ड से जुड़े ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेशन के लिए क्रेडिट कार्ड सही है पे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।